नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। पाकिस्तान की सियासत में उथल पुथल मची हुई है। गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में आ गई है। इसमें एक तरफ इमरान खान है तो दूसरी तरफ पूरा विपक्ष खड़ा है। कोर्ट को तय करना है कि वह देश में चुनाव कराने की इमरान की मुराद पूरी करेगा या भंग हो चुके अविश्वास प्रस्ताव के फैसले को गलत ठहराकर विपक्ष के स्टैंड पर मुहर लगाएगा। बहरहाल कोर्ट का फैसला कुछ भी आए, कुल मिलाकर इमरान लोडे ने पाकिस्तान को पूरी तरह से फंसा दिया है। देश में अगस्त 2023 में चुनाव तो होने ही थे। हालांकि इमरान ने जिस तरह रायता फैलाया है उसे समेटने में पाकिस्तान की लंका लग गई है। भारत तो पहले ही उसे भाव नहीं दे रहा है, अब अमेरिका भी उससे बुरी तरह चिढ़ गया है। इससे अमेरिका के प्रभाव वाले हर अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आज ही पाकिस्तान को मिलने वाला बेल आउट पैकेज निलंबित कर दिया है, जिसे अमरीकी सह पर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। पर इमरान लोंडे ने जो मुल्लाई ड्रामा किया है उसका असर सिर्फ पाकिस्तान की राजनीति तक ही सीमित नहीं रहने वाला है, भविष्य में पाकिस्तान की मुश्किलों में और इजाफा होना लाजमी है। इमरान ने सरकार को गिराने की कोशिश में खुलकर अमरीकी साजिश का आरोप लगाया है। लोंडे ने बार बार अमरीकी साजिश की बात कहकर अमरीका को बुरी तरह भिदका दिया है। यह सच्चाई भी हर कोई समझ रहा है कि इमरान अपनी सरकार की नाकामियों को ढकने के लिए ये पूरा गेम खेल रहे हैं। वे गंवार और जाहिल जनता को बेवकूफ बनाने की चाल चल रहे हैं, मगर अपनी राजनीति बचाने के चक्कर में अमेरिका से रिश्ते पाकिस्तान ने इस कदर बिगाड़ दिए हैं कि मरम्मत की गुंजाइश बहुत ही कम बची है। इमरान ने पिछले कुछ समय में जिस तरह के कदम उठाए हैं वो लगातार पाकिस्तान को अमेरिका से दूर ले गए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान को सत्ता में काबिज करने के लिए जिस तरह पाकिस्तान ने अमेरिका को गुमराह किया वो पूरी तरह से जग जाहिर है। फिर चीन से अमेरिका की टेंशन शुरू होने पर पाकिस्तान खुलकर ड्रैगन की गोद में बैठ गया। वह पूरी तरह से चीन की पक्षधारी करने लगा। उसने अमेरिका के साथ अपने दशकों पुराने संबंधों को ताक पर रख दिया। यह कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की इन बेतुकी करतूतों के चलते ही भारत के अमेरिका सहित पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते और बेहतर हुए हैं। हालांकि भारत ने अपनी विदेश नीति में वो गलती नहीं की जो पाकिस्तान ने की है। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो भारत पूरी तरह न्यूट्रल हो गया। उसने किसी के लिए अपने पुराने दोस्त का साथ नहीं छोड़ा, जबकि इमरान खान पूंछ उठाकर रूस की यात्रा पर भाग गए, जिसने अमेरिका का दिमाग और गर्म कर दिया। यूं भी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी कोई मजबूत स्थिति में नहीं है। इस खटारा देश में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यहाँ आने के लिए विदेशी कंपनियों में हायतौबा मची हो। पाकिस्तान कंगाल और मुसलमान आतंकियों की सबसे सुरक्षित पनाहगाह है। इसके साथ ही इस मदरसा मुल्क की जनता महंगाई से भी बेहाल है। इमरान खान पाकिस्तान के इतिहास का सबसे अनुभवहीन नेता है। इसके कारनामों की बदौलत ही पेट्रोल डीजल बिजली और घरेलू ईंधन की कीमतें काबू से बाहर चल रही है। शेयर बाजार डाउडोल है और देनदारी नहीं चुका पाने में डिफॉल्ट का खतरा बढ़ रहा है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी मुद्रा हांप रही है। इमरान की एंटी अमरीकी पॉलिसी के कारण स्थिति में सुधार की संभावना बहुत ही कम बची है। हालत यह है कि एशियाई मुल्कों में महंगाई के मामले में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। दरअसल अपने पूरे कार्यकाल में इमरान भारत के खोप में सांसें लेते रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान को भाव देना ही बंद किया हुआ है। इस मामले में भारत की पॉलिसी बिल्कुल साफ है। इसी पॉलिसी से तिल मिलाकर इमरान गलतियों पर गलतियां करते चले गए। वह चीन को मजबूती के साथ थामने में जुट गए। उनके मन में था कि रूस को पाले में लाकर वह भारत को चित कर देंगे, लेकिन उनका यह मंसूबा सफल नहीं हो सका। अलबत्ता यूक्रेन युद्ध के बाद भारत पर रूस का भरोसा और ज्यादा बढ़ गया है। ले देकर पाकिस्तान के साथ कब्जेबाज चीनी खड़ा है जो मुफ्त में कुछ भी नहीं देता है और अपनी पाई पाई वसूलता है। श्रीलंका की बदहाली पाकिस्तान के सामने जीता जागता उदाहरण है और आने वाले दिनों में उसे भी ऐसी कोई बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।